हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एमिशन स्पेक्ट्रा, अब यहां पर अपन डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बट अब ध्यान से समझिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? उसकी बात करेंगे। बट आपका कैसे ऑप्टेन हुआ, तो दोनों का डायग्रामेटिकली अलग अलग वे। तो देखिए, व्हेन सनलाइट पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, सनलाइट पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, देन एब्जॉर्ब दिस लाइट एंड पास फ्रॉम द प्रिज्म, then we obtain dark line of spectrum, this spectrum is called absorption spectrum। ध्यान से सुनिए, सनलाइट को स्लिट की हेल्प से कहां पे एब्जॉर्ब हुआ, यहां पर इसमें हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। इसी वजह से इसको अपन क्या देंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वहां पर क्या हुआ था, एमिशन, वहां पर सब्सटेंस क्या कर रहा था, एमिट कर रहा था। यहां पर सब्सटेंस क्या कर रहा है, सनलाइट को डायरेक्टली क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। बात क्लियर है? व्हेन सनलाइट एब्जॉर्ब बाय सॉल्यूशन और सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ स्लिट, देन पास फ्रॉम द प्रिज्म, देन वी ऑब्टेन सम डार्क लाइंस, दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात क्लियर हुई होगी? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट कहां हो रहा है, सॉल्यूशन में, या कोई सब्सटेंस ले रहा है उसमें, सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस किया था, वहां पर सब्सटेंस एमिट ऑफ लाइट, एमिट ऑफ रेडिएशन, सो दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। और यहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय सॉल्यूशन और सब्सटेंस, सो इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और यहां पर क्या ऑप्शन हो रही है, डार्क लाइंस, क्या ऑप्शन हो रही है बेटा, डार्क लाइंस। क्लियर? वहां क्या ऑप्शन हुई थी आपकी, ब्राइट लाइंस, क्या हुई थी आपकी, ब्राइट लाइंस। यहां पर क्या ऑप्शन हो रही है आपकी, डार्क लाइंस। इस पे ऑप्शन की आपकी फोटोग्राफिक प्रिंट, इसके हेल्प से, स्क्रीन की हेल्प से, दिखती नहीं है अपन, ऑब्जर्व नहीं होती, ऑब्जर्व करना होता है रेडिएशन को विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन बाय फोटोग्राफिक प्रिंट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर? व्हेन सनलाइट पास थ्रू ए सॉल्यूशन और सब्सटेंस विद स्लिट, देन पास फ्रॉम प्रिज्म, वी ऑब्टेन सम डार्क लाइंस ऑन स्क्रीन, दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बिकॉज इन दिस फर्स्टली सनलाइट एब्जॉर्ब बाई सोल्यूशन, सो इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इट इज क्लियर? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो गया। एमिशन में क्या हुआ था, तो सब्सटेंस है वो एमिट कर रहा था, यहां पर सब्सटेंस या सोल्यूशन जो ले रखा है वो क्या कर रहा है, सनलाइट या रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। इट इज क्लियर? वही प्रिज्म वहां है, ये वाला जो है सब में कॉमन है, ये वाला जो अपना फोन है वो सब में कॉमन है, बट यहाँ वाले फिनोमेना दोनों में अलग है, वहां एमिशन हो रहा था, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एमिशन होगा तो स्पेक्ट्रम क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन होगा तो स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन एमिशन वी ऑब्टेन ब्राइट लाइंस, और इन एब्जॉर्प्शन वी ऑब्टेन डार्क लाइंस। इट इज क्लियर?
This phenomenon is called absorption spectrum. Now we discuss about the difference between emission spectrum and absorption spectrum. Emission spectrum and absorption spectrum. Emission spectrum and absorption spectrum. So first difference is by definition. This spectrum obtained when radiation emitted by substance and passed from prism, then analyzed, we obtain bright light. In absorption, when sunlight passed from solution, then passed prism, then obtain dark light. This is called emission and absorption. By definition, or here clearly, in this spectrum we obtain sharp, well-defined line as bright line. Or इसमें क्या कहेंगे? Sharp, well-defined line as dark line. These are the difference between emission and absorption spectrum. Emission and absorption spectrum. This is the totally part of atomic spectra in form of emission spectrum and absorption spectrum. बात clear है? कोई doubt नहीं होना चाहिए. Clear बेटा? Emission and absorption दोनों को मैंने आपको अलग अलग क्लास में explain किया है. I hope आपको ये दोनों स्पेक्ट्रम बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, इनके डिफरेंस भी क्लियर हो गए होंगे. वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.